नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। अनिल कपूर, ऐश्वर्या और राजकुमार राव की फन्नेखा रिलीज हो गई है। सभी की निगाहें इस फिल्म के पहले दिन के कारोबार पर टिकी है। पहला दिन इसलिए भी खास है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर एक साथ तीन धमाकेदार फिल्में रिलीज हुई है, जिसके बाद दर्शक परेशान है। दर्शकों के सामने मुश्किल ये है कि आखिर वो तीनों में से कौन सी फिल्म देखें। ऐसे में तीनों फिल्मों के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सभी की नजरें बनी हुई है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो फन्नेखा पहले दिन अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ट्रेड एक्सपर्ट गिरीश जौहर के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 2.5 करोड़ रुपए कमा सकती है। गिरीश जौहर के मुताबिक फन्नेखा शुक्रवार को दोनों फिल्मों के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, क्योंकि ये फिल्म बेहतरीन स्टार कास्ट से सजी हुई है। अनिल कपूर, ऐश्वर्या, राजकुमार राव और दिव्या दत्त जैसे पावरफुल एक्टर्स हैं, लिहाजा फन्नेखा दर्शकों को ज्यादा अपनी ओर खींचेगी, इसलिए फिल्म पहले दिन 2.5 करोड़ की कमाई कर सकती है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की राय सामने आने के बाद ये खुशी की खबर है अनिल कपूर, ऐश्वर्या और राजकुमार राव के लिए, क्योंकि लंबे समय से अनिल कपूर इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे। अगर फन्नेखा दो फिल्मों के मुकाबले ज्यादा पैसे कमाती है तो ये अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अनिल और ऐश की जोड़ी लंबे समय बाद पर्दे पर दिखाई दी है। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।